कुलगाम से आए हूँ। क्या मसला आपका, क्यों आपसे नकद प्रेस कॉल है? सर हमारा मसला यह है कि एक यहाँ पे ट्रस्ट चल रहा था जिसका नाम था बिलीव डेवलपमेंट ट्रस्ट, इथा के नाम से वो जाना जाता है सर, जिसका हेड ऑफिस टंकपुरम है सर। जैसे हमने गूगल पे सर्च किया तो हमें लगा सर ये ट्रस्ट ठीक होगा, तो हमने वहाँ पे न्यूज में भी सुना, तो हम वहाँ पे गए और उन्हें बोला हमें कि आप फार्म जमा कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करो अपने शॉपस की। हमने फार्म जो जितने भी गरीब थे हमने उनसे 500 रुपये के वो फार्म वो वहाँ पे सबमिट करवाए, उसके बाद हमने अपने शॉप से उनको ग्रासरी भी दे दी उन गरीबों को जिनने 500 रुपये वो सबमिट किए थे। जो ही हमने वो कार्ड फिर जमा किए उन लोगों से, उन बेनिफिशरी से, तो हम वहाँ लेके गए CO इथा के पास जो हमारे वो परवीन कुमार है इसके हेड। उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे हम देखेंगे पेमेंट कब होगी क्या, इस वक्त तब से लेकर आज तक 9 महीने हो गए लगा रहे हैं सर आने के लिए। जितना हमने वहाँ पे कमाया होगा उससे दुगना हमें खर्च हो गया। हम गरीब है, हमने लोन निकाला हुआ है शॉप उसका, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो रिलीज होनी चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं गवर्नर साहब से कि ये जो इथा है, ये जो फ्रॉड इथा है सर, हम मान लेते हैं कि अभी ये फ्रॉड है, इस ये बंद भी होनी चाहिए और हम लोगों को पेमेंट भी रिलीज होनी चाहिए। हम यही इंसाफ चाहते हैं और ये कि जो बाकी लोग हैं जो हमको अवेयर कर रहे हैं कि ऐसे धोखाधड़ी से बचे रहें और इन लोगों इन जैसे लोगों को ये जो दलाल बैठे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए फ्यूचर में, इसलिए हम अवेयर कर रहे हैं उन लोगों को भी, आप वहाँ पे मत जाओ, ये फ्रॉड स्कीम है सर। ये मुझे बताएं ऑफिस कहाँ पे है और कौन कौन से लोग इसमें हैं? इसमें सर ये ऑफिस टंकपुरम में है, उसमें OS बशीर है, हेड प्रोजेक्ट हेड है वो सर, और है नासिर हुसैन शाह जो कि उन्होंने मैनेजर रखा है शॉप एसोसिएशन का वहाँ पे, वो सर खाली बिरयानी खाते हैं वहाँ पे, हम जब भी जाते हैं वहाँ बिरयानी पकती होती है, वो इन गरीबों के पैसे से वो खा रहे हैं, बाकी वहाँ से कोई फंडिंग नहीं हो रही है उनके पीछे सर। हम ये चाहते हैं कि ये फ्रॉड NGO बंद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।